नवाब साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? वही तबीयत तो ठीक है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही ग्वाल बहन के घर जाने की। कैसे ताजियत करेंगे बेटे की? अब से तो कल की परेशानी नहीं देखी जा रही थी, ये कोई उम्र तो नहीं थी मैं शाहिद की जाने की। नवाब साहब, तसल्ली तो देना होती है ना, और फिर ऊपर वाले के फैसले के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक कह रही हैं, लेकिन शाहिद जैसा भी था, बहुत सी बुराइयां होंगी उसमें, लेकिन कम से कम इतना तो था कि यही था, हमारे इर्द गिर्द था। आप दुरुस्त कह रहे हैं, शाहिद मियां अपने दोस्तों में मसरूफ रहते थे और उन्हीं दोस्तों ने उन्हें बुराई के रास्ते पर डाला जिन पे उसकी जान चली गई। बेचारी गौहर बहन दो दिन से बेहाल है, नढाल है। अब आप खुद ही बताइए, क्या तसल्ली दे किसी को किसी के जवान बेटे की मौत? मौत ने कहा किसी का लिहाज किया है, कहा उम्र देखी है। नवाब साहब, आप ऐसा कीजिएगा कि आप मर्दाने में ही रहिएगा, हम गौहर बहन को तसल्ली दे लेंगे, ऐसा ठीक है ना? चलिए।